हेलो यूट्यूब। तो आज मैं आया हूँ वोक्सवैगन के शोरूम वेंटो का रिव्यू शूट करने। ये इसका हाईलाइन प्लस वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोघ अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल अग्रवाल ऑटो वर्ल्ड में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो ये है वोक्सवैगन हाईलाइन प्लस वेंटो की। नॉर्मल फ्लिप की मिलती है आपको। की के ऊपर आपको तीन बटन मिलेंगे, लॉक, बूटलेट ओपन करने का बटन और अनलॉक का बटन। फ्लिप की ऐसे ओपन होती है। पीछे आपको वोक्सवैगन का लोगो मिलेगा। दो कीज मिलेंगी आपको, दोनों सिमिलर की मिलती हैं, दो फ्लिप कीज। तो ये है ऑल न्यू भारत स्टेज 6 वोक्सवैगन वेंटो हाईलैंड प्लस वेरिएंट के साथ। पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको इसके अंदर, बीच में बड़ा सा वोक्सवैगन का लोगो। क्रोम लाइनिंग मिलेगी आपको ग्रिल के ऊपर। ये आप देख रहे हैं इसके LED DRLs जो लाइट अप होते हुए काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहे हैं कार के फ्रंट लुक्स को। बीच में आपको हनीकॉम डिज़ाइन में ग्रिल मिलती है। नीचे बम्पर के ऊपर आपको स्पोर्टी बम्पर मिलेगा हनीकॉम डिज़ाइन के साथ। और आप ही बम्पर के ऊपर स्किड प्लेट देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहे हैं कार के फ्रंट बम्पर को। चलिए हेडलाइट्स की बात करते हैं। तो आपको ऑल LED हेडलैम्प्स मिलेंगे इस वेरिएंट के अंदर। आप देख सकते हैं डुअल LED हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स। नीचे बम्पर के ऊपर आपको ब्लैक हाउसिंग में फॉग लैंप्स मिलते हैं और कॉर्निंग फंक्शन भी मिल जाता है। लोग सोचते हैं कि वेंटो का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो गया है, पर ट्रस्ट मी गाइस, जो ड्राइविंग प्लेजर आपको इसके अंदर मिलेगा वो आपको अदर किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में, चाहे वो वरना हो चाहे वो होंडा सिटी हो। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो काफ़ी एलिगेंट लुक है साइड प्रोफाइल से भी। टायर्स की बात करते हैं तो आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं ग्रे कलर के। टायर साइज़ की बात करते हैं तो आपको 195/55 R16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में आपको रनिंग बोर्ड के ऊपर एक स्किड प्लेट भी मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहे हैं कार के साइड प्रोफाइल को। ये आप देख रहे हैं इसके ORVM टर्न इंडिकेटर्स के साथ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं ये और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं। ये आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स LED हैं ये भी। और ऐसे मिलेंगे आपको डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में। नीचे आपको एक क्रोम की लाइनिंग मिलेगी जो कि आपको इस वेरिएंट के अंदर स्टैंडर्ड मिलती है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है वेंटो के बारे में, कि आपको वेंटो पसंद है या फिर आपको इसका डिज़ाइन ओल्ड स्कूल लगता है। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपको स्पोर्टी येट एलिगेंट डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख रहे हैं वोक्सवैगन का लोगो बड़ा सा। डिक्की के ऊपर आपको स्पॉयलर भी मिलता है, इनबिल्ट स्पॉयलर मिलेगा आपको एरोडायनामिक्स के लिए। नीचे आपको डिक्की के ऊपर एक क्रोम लाइनिंग मिलेगी। वेंटो की ब्रांडिंग TSI की ब्रांडिंग। नीचे आपको स्पोर्टी बम्पर मिलता है, रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे आपको। ये आप देख रहे हैं इसका एग्जॉस्ट पाइप, टोइंग हुक, या इसके ऑल LED टेल लैंप्स टर्न इंडिकेटर्स के साथ, और आपको रिवर्स पार्किंग लाइट भी यहीं पे मिलेगी। रियर में आपको डिफॉगर भी मिलता है और आप ऊपर इसका एंटीना देख सकते हैं। और ये आपको हाईमॉन स्टॉप लैंप मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको इसका बूट ओपन करने के लिए। और आपको वाइट LED लाइट्स मिलेंगी, लाइसेंस प्लेट लाइट जिसको बोलते हैं, वो भी आपको वाइट LED मिलेंगी। कैमरा मिलेगा आपको, ये आप देख सकते हैं कैमरा। बूट लिट के ऊपर भी आपको सॉलिड पैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही है वोक्सवैगन की, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपको 494 liters का बूट स्पेस मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, एक फैमिली के ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। बूट लैम्प मिलेगा आपको। चलिए स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो आपको 14 इंचेस के रिम व्हील्स मिलेंगे। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली जर्मन ब्रांड की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि प्रॉपर स्पेसिंग दे रखी है टूल किट के लिए, फर्स्ट एड किट के लिए, सेफ्टी ट्राइंगल के लिए। ये नहीं कि बूट के ऊपर ऐसी पड़ा हुआ है ये सब सामान, प्रॉपर स्पेसिंग मिलती है इन सब चीज़ों के लिए भी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखकर। चलिए अब मैं आपको इसके बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ, दिखाता क्या हूँ सुनाता हूँ, तो सुनिए। इसे कहते हैं बिल्ड क्वालिटी। चलिए रियर डोर को ओपन करके देखते हैं तो आपको ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा इंटीरियर्स का। टिंटेड ग्लास मिलते हैं आपको जो आपको धूप से बचाते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स। नीचे आपको 1 liter की बॉटल होल्डर मिलेगा, स्पीकर्स मिलेंगे आपको। चलिए रियर सीट्स में बैठ के देखते हैं तो मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली सीट एडजस्ट करी हुई हैं, विच फॉर रेफरेंस इज 5'9", तब भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है मेरे पास, आप देख सकते हैं। स्कूप्ड आउट सीट्स मिलेंगी आपको, मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं। बीच में आपको सिल्वर एक्सेंट्स के साथ AC वेंट्स मिलेंगे,
एक बॉटल होल्डर मिलेगा आपको और आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। फ्लोर हम्प आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैसिव है, तो कंफर्टेबली दो ही लोग इसमें बैठ सकते हैं, तीसरा अगर चाइल्ड भी है तो उसको भी दिक्कत आएगी। ये आप देख सकते हैं, आप पैसेंजर साइड की सीट को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं इस लीवर से, तो काफ़ी एक अच्छा फीचर है अगर सॉफ्ट ड्रिवन आप चलते हैं तो। ये आप देख सकते हैं गाड़ी के रीडिंग लैंप्स, मैनुअल रीडिंग लैंप्स कूल डिज़ाइन के साथ। गाड़ी के अंदर आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, हुक मिलेगा आपको तीनों डोर्स के ऊपर ग्रैब हैंडल्स के साथ, और ऐसा दिखता है गाड़ी का डैशबोर्ड रियर प्रोफाइल से। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और अच्छा लगता है इसका इंटीरियर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या राय है इसके बारे में। आर्मरेस्ट मिलेगा आपको, कप होल्डर्स नहीं मिलते लेकिन आर्मरेस्ट मिलता है रियर सीट्स के ऊपर। और ये आप देखिए, ये प्लास्टिक पैडिंग है जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। रियर में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक परफेक्ट सेडान है चार लोगों की फैमिली के लिए। एक फीचर जो वोक्सवैगन की सभी कार्स में मिलता है वो ये है, अगर आप की के ऊपर लॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी विंडोज इसकी अप हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आप अनलॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे तो इसके चारों विंडोज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। समर्स में ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव फील कराता है। चलिए इसके डोर को ओपन करके देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होते हैं इसके डोर्स, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है लेकिन ये चीज़ सच में है। ब्लैक और बेज कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको डोर पैड के ऊपर। ये आप देख रहे हैं इसके लॉक अनलॉक करने के बटन, डोर को ORVM कंट्रोल करने के बटन्स। सिल्वर एक्सेंट्स में आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, नीचे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे, चाइल्ड लॉक सेफ्टी बटन मिलेगा आपको, 1 लीटर की बॉटल होल्डर मिलेगा, मैगजीन होल्डर्स मिलेंगे आपको, ये बूट लिड ओपनर है, नीचे आपको स्पीकर मिलते हैं। सीट्स की बात करते हैं तो आपको 6-वे मैनुअल एडजस्ट के साथ सीट्स मिलेंगी, हाइट एडजस्ट करने का लीवर, बैक रेस्ट एंगल एडजस्ट करने का लीवर, और इस लीवर से आप कार के सीट्स को फ्रंट या बैक एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे दिखते गाड़ी के पैडल्स, ये आपको बोनट ओपन करने का लीवर मिलेगा। वेंटो के अंदर आपको ऑल लेदर अपोल्स्ट्री मिलती है, बेज कलर की परफोरेटेड लेदर मिलेगा आपको इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं लेदर का फिनिश, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है इसका बेज इंटीरियर्स। चलिए इसके अंदर बैठ के देखते हैं। इसे कहते हैं प्रॉपर थर्ड साउंड। तो ऐसे दिखता है गाड़ी का लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको, काफ़ी नाइस टू होल्ड है इसका स्टीयरिंग व्हील। पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेगी आपको, सिल्वर एक्सेंट्स मिलेंगे आपको, और आपको बड़ा सा वोक्सवैगन का लोगो मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करते हैं तो आपको चैनल सीक करने का बटन मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन मिलेगा, और म्यूट का बटन मिलेगा। राइट हैंड साइड आपको कॉल पिक और ड्रॉप करने का बटन, MID में कंट्रोल करने के बटन और वॉइस कंट्रोल के बटन मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्रूज कंट्रोल का लीवर मिलता है और इंडिकेटर्स और डिपर का लीवर मिलता है। राइट हैंड साइड आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं और आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं इसके अंदर। राइट हैंड साइड आपको मिलेगा हेडलाइट का स्विच, ऐसे मिलेगा आपको हेडलाइट का स्विच, ऐसे इसके हेडलाइट्स ऑन होंगे, और आप एक बार पुल करोगे तो फ्रंट का फॉग लैंप और दो बार पुल करोगे तो रियर का फॉग लैंप ऑन हो जाता है। क्रोम लाइनिंग के साथ आपको AC वेंट्स मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्ट के साथ मिलता है, यानी कि आप हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट। स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो आपको डिसेंट लुकिंग स्पीडोमीटर मिलता है। हाँ, मैं कहूँगा कि पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है मुझे तो पर्सनली। लेफ्ट हैंड साइड आपको RPM मीटर मिलेगा, बीच में आपको बड़ी सी MID मिलेगी, और राइट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर मिलता है। 240 की टॉप स्पीड मिलती है आपको। MID के अंदर आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे टेम्परेचर, टाइम, डिजिटल स्पीड, डिस्टेंस टू MT, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, फ्यूल लेवलर, जैसे सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं बेसिक। और ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर्स, ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है इसका कैबिन, जिसमें आपको सिल्वर एक्सेंट्स भी मिलेंगे देखने के लिए, क्रोम एक्सेंट्स भी मिलेंगे, और पियानो ग्रे फिनिश भी देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख रहे हैं सिल्वर एक्सेंट्स के साथ AC वेंट्स, नीचे आपको डिफॉगर का बटन मिलता है,
हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है आपको, और ये इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल जिसके अंदर आपको एसडी कार्ड रीडर, ऑक्स, यूएसबी, एफएम, ब्लूटूथ, मिरर लिंक, वॉइस कमांड, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सारे फीचर्स आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। स्पीकर्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है स्पीकर्स का वेंटो के अंदर। ये आप देख रहे हैं इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपको सिमिलर मिलेगा पोलो और वेंटो में। नीचे आपको स्पेस मिलेगी मोबाइल फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए। दो कप होल्डर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, और आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है। और आवश्यकता गाड़ी का गियर लीवर 6-speed 1-reverse आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा ये वाला वेरिएंट। गियर बूट के ऊपर आपको लेदर फिनिश मिलेगी, सिल्वर एक्सेंट्स देख सकते हैं आप गियर के ऊपर। ये इसका क्रोम टिप के साथ हैंड ब्रेक, उसके नीचे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी कॉइन्स रखने के लिए। ये इसका एडजस्टेबल आर्मरेस्ट लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ। इसके अंदर आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वॉलेट या मोबाइल फ़ोन आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। चलिए बताता हूँ इसका रिवर्स गियर कैसे लगता है। आप क्लच प्रेस करेंगे, गियर लीवर को नीचे पुश करके आप ऐसे इसका रिवर्स गियर लगा सकते हैं। या आप इसका कैमरा देख सकते हैं, एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आपको कैमरा मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे आपको। चलिए ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, तो आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, ये आपको सनशेड होल्डर मिलेगा यहाँ पर। बूट लैम्प भी मिलता है आपको इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस इसका ग्लव बॉक्स है। ऊपर आपको सनशेड के ऊपर वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलेगी, या आप इसके रीडिंग लैंप्स देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक एडजस्ट के साथ IRVM, ये आप देखिए कितना एलिगेंट डिज़ाइन है IRVM का भी। ड्राइवर साइड सनशेड के ऊपर आपको टिकट होल्डर ही मिलता है, मिरर नहीं मिलता। चलिए इसके वाइपर को यूज़ करके देखते हैं, तो आपको डुअल बैरल वाइपर्स मिलेंगे जो कार की विंडस्क्रीन को आप देखिए कितना ईजिली क्लीन कर रहे हैं। स्प्रे देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसके बोनेट को ओपन करके देखते हैं, तो 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिलता है आपको जो प्रोड्यूस करता है 110 PS की पावर 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ। बोनेट के ऊपर आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगी, और ऐसा लगता है गाड़ी का इंजन बे काफ़ी नीट और क्लीन इसका इंजन बे है, वेल इंसुलेटेड इंजन में मिलेगा आपको। वोक्सवैगन इसकी 17.69 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करता है। चलिए डायमेंशंस की बात करते हैं, तो आपको 4390 mm की लेंथ मिलेगी, 1699 mm की विड्थ और 1467 mm की हाइट मिलती है आपको वोक्सवैगन वेंटो के अंदर। चलिए प्राइसेस की बात करते हैं, तो 11,99,000 रुपये एक्स शोरूम मिलेगा आपको देहरादून के अंदर हाईलैंड प्लस वेरिएंट। वोक्सवैगन ने इसका इंजन कैपेसिटी कम ज़रूर किया है, लेकिन आज भी जो फील आपको इसको ड्राइव करके आएगी वो आपको अदर किसी ब्रांड की कार में नहीं आती। तो 13.5 लाख रुपए के बजट में जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको वेंटो के अंदर मिलेगा, जो बिल्ड क्वालिटी आपको वेंटो के अंदर मिलेगी, वो आपको और किसी अदर ब्रांड में नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक पेट्रोल लवर हैं और आप कार को एंथुजियस्टली चलाते हैं, तो आपके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है वोक्सवैगन की वेंटो। तो कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। हाँ तो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है वेंटो के बारे में, क्या वेंटो एक प्रैक्टिकल कार है या एक ओल्ड स्कूल कार है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट भी करिए कि आपको कौन कौन सी गाड़ी के बारे में वीडियोस चाहिए, मैं उन गाड़ी के बारे में आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं उसी नोटिस के साथ, गाड़ी के बाहर सड़क के ऊपर कूड़ा और कचरा नहीं फेंकेंगे और रोकेंगे उन लोगों को जो ऐसा करते हैं। कार डस्टबिन यूज़ करिए, गार्बेज बैग यूज़ करिए, लेकिन कूड़ा और कचरा गाड़ी के बाहर सड़क के ऊपर मत फेंकिए, ये हमारे देश के लिए ही है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अमेजोन का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से जाकर आप इन सब चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, मैक्सिमम 300-350 में आपको ये अवेलेबल हो जाता है अमेजोन के ऊपर। तो जाइए लिंक के अंदर और चेक करिए। तो लेट्स टेक अ स्मॉल इनिशिएटिव नॉट टू थ्रो गार्बेजेस ऑन रोड एंड ऑल्सो स्टॉप अदर्स फ्रॉम डूइंग सो। चलिए एक पहल करते हैं कूड़ा और कचरा सड़क के ऊपर गाड़ी के बाहर ना फेंकने का, और रोकेंगे उन लोगों को जो ऐसा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।